आप ठीक है ना बाबू? आप ठीक है ना? हेलो, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खूब बढ़िया से होंगे। तो भैया, आज है होली का दूसरा दिन और ई वक्त बज रहे हैं 11। हमारी जो घड़ी है ना वो ख़राब हो गई है, उसमें भी 6 बज रहा है। तो ऐसे ई वक्त बज रहे हैं 11। और देखिए, खाना वगैरह तो सब देखिए बना बना लिए हैं, खा पी के टर्न हो गए हैं। तो आज हम चल रहे हैं, देखिए उस सरसों जो रखे नहीं थे उस दिन का निकाल के, तो उस सरसों को ओसाना है, चावल नहीं है तो चावल ओसाना है। तो चल रहे ये सब काम करने। सुबह से हम नहीं ब्लॉक शूट किए, कहते थे सुबह ना एकदम थकावट सा लग रहा था, कुछ करने का हिम्मत नहीं कर रहा था। तो कौनो तरीके से बस किसी तरह से हम लोग खाना बनाए, आधा खाना हम बनाए हैं, आधा हमारी अन्नू बनाई है। तो फिर खाए हुए हैं, तो फिर सोचते सोचते हम कहे चलो भैया पहले यह वाला कमवाज निपटाते। आज है शनिचर, शनिचर माने शिवम, सैटरडे, शनिचर माने सैटरडे है और शिवम का छुट्टी है। कल इतवार हो जाएगा, इतवार माने कल संडे हो जाएगा, तो भी शिवम का छुट्टी रहेगा, अनु लगे का छुट्टी है। तो हम कहे ये शनिचर इतवार इन लोग का छुट्टी है, तो इन लोग को ले के हाई सब जो कमवा है हाई सब जो है हम निपटा लें, बनाए तो फिर इनका स्कूल खुल जाएगा, तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। और देखिए बर्तन धुल के आ रही, लेकिन अब पटक रही है बर्तन, देख लीजिए। देखिए होली खत्म हो गया है, लेकिन अब इनको जो है अभी होली वाला नशा लग रहा है, चढ़ा है। अब मारेंगे ना इन लोग का, तब सही होंगे सब। देखिए शिवम का, शिवम मेरा बात नहीं सुन रहा है, कब से इसको खिलवा रहा है हमको जो है। चलिए पहले हम चाउर उठा लेते हैं। चावल तो ओसा लिए हैं भाई, सरसोइया चले ओसा लें, उस दिन का ला के ऐसे ही रखे थे। देखिए तो देखिए भाई, इसमें इतना खरपतवार है ना, इसको पंखे से ओसा के इसको अलग अलग करके रख दें। लकी तक पंखा चलाओ तो तो कितना तेज चमकता है। भैया देखिए 2 बजने वाले हैं, सरसों सब देखिए ओसा लिए हैं, तो चल रहे हैं इसको उठा के अब रखेंगे ड्रम में। और अभी जो सरसों ओसाए हैं ना, तो जो सरसों ओसाते हैं उसके किनारे वाला देखिए जो सब निकला है, अभी इसको जो है ओसा के जो है इसको भी सब अलग अलग करेंगे। 3 बजे लाइट कट जाएगी। अब बता ना कमर में बढ़ाते दर्द होने लगा यार झुक के ओसाते ओसाते, कल का हम लोग खूब डांस किए हैं ना, अभी थकावट गया नहीं है। तो चलिए इसको उठा के रखते हैं फटाफट।
आइयो सब बना लेते हैं। फोन आया था, हो सकता है हमारे भाई आने वाले हैं, फ़ोन किए थे भैया भाभी आने के लिए, तो हम सोच रहे हैं भाई सब जल्दी जल्दी सब साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। हमारे भैया भाभी आएंगे तो कहेंगे कैसा जो है घर, हम नरक बना के रखे रहते हैं, तो थोड़ा बढ़िया सा बना ले भैया जो है फटाफट से। 2 बज गया है, देखिए इसको रखते हैं फटाफट, चलिए। सरसों की जो दाने हैं ना, इसकी पैदावार बहुत बढ़िया हुई है। दाने देख लीजिए एकदम ध्यान से, देखिए यही दाने जो है इसके आए हैं, यही दाने हैं, बढ़िया है। तो इसमें भरे हैं, इसमें भरे हैं, इसमें भरे हैं, तो ये सबको ले चलते हैं पहले ड्रम में, यहाँ से जो बढ़िया वाला इसको रख दें और ये तो हटा देंगे, तब इसको जो है साफ करेंगे। और बता दें ये तो पंखा है मेरा है नहीं, नहीं तो कल परसों फिर इसको बनाते हैं। ये आयशा का पंखा है, आयशा से मांग के लाए हैं। हमारे पास जो फराटा वाला पंखा था हमारे नए वाले घर पे है, तो हमको उठाने बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मांग के लाए हैं। तो फटाफट से आज निकाल ले भाई, मांग के लाए तो फट से कर ले। जब जरूरत जाए लगेगी तो इसमें से निकाल निकाल के फिर आएंगे। वैसे हमको लगा जितना सरसों उगाना बहुत कम हुआ है, ये पूरा भर के होता है तो हमारे साल भर चलता है, कितना नहीं हुआ है आधे। तो देखिए मेरे मामा जी आ गए हैं, मामी मम्मी किशन भैया और ऋषि आए हैं। तो हम लोग किचन में बना रहे हैं पकौड़ी, पकौड़ी बना है। और ये देखिए किशन, ए व्हाट्सअप गाइस कैसे हो, व्हाट्सअप गाइस फेसबुक इंस्टाग्राम सब कैसे हो, व्हाट्सअप माने कैसे हो। अरे अब तो व्हाट्सअप समझाता ही हुआ तो वैसे बोली ये इंस्टा गाइस इंस्टाग्राम से लगे थोड़ा तो नहीं धोता है, एक गगरम बनिया लगे धोके रहता है। तो ये मम्मी पकौड़ी बना रही हैं, बाहर पापा मामा बैठ के बात कर रहे हैं, ऋषि भी है मामा के पास, किशन भैया खेल रहा है, किशन भैया ये देखिए मोर का पंख लेके खेल रहा है और मामी मम्मी का हेल्प कर रही हैं। तो देखिए हम सब पकौड़ी खा रहे हैं और उधर किशन भैया और इस तरफ मम्मी पावी पावी है तो भैया देखिए शाम होने वाला है और हम आ गए हैं खेतों में। दरअसल अपनी भाभी को अपना खेत दिखाने के लिए, तो ये हमारी सबसे छोटी वाली भाभी आप लोग तो जानते हैं और इन्हीं का जो है वो चैनल है, कौन सा है भाभी, एसटीएफ किचन। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिएगा, बढ़िया बढ़िया रेसिपी जो है आपको देखना होगा। हम तो बनाते हैं भैया अपने जो खुद से उगाते हैं और जो हमारे गांव देहात में चलता है, अच्छा रहता है। देखिए मतलब जो हमारा गांव देहात में जो चलता है भैया, हम तो देखिए वह बनाते हैं, लेकिन हमारी भाभी सब बनाती है ऑल इन वन, तो जरूर देखिएगा। तो आई हमारी भाभी, तो चलते हैं हम इनको क्या देते हैं खेतों में से, तनी उखाड़ लेते हैं, चना वना ढेर सारा हो गया है ना। तो भाभी जा रही हैं, रुकेंगी नहीं, कह रही हैं रुकेंगी नहीं। तो नाश्ता वास्ता भाई देखिए बनाए हैं, पकौड़ी वकौड़ी सब लोग खाए हैं, चाय वगैरह तो करिए, अब कुछ खाने पीने का मन नहीं है, तो चले थोड़ा सा चना वना उखाड़ दे ले जाएंगी घर पे। मम्मी है, पापा हैं, मनीषा है, सब लोग अब गांव देहात आए हैं, तो क्या दे हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया हमारे पास चना है, वो उखाड़ते हैं। हाँ ना रेखा, क्या ले जाएंगी बताइए, गांव देहात से बताइए क्या ले जाएंगी। गुड़ तो बना नहीं कि गुड़ दे दे जो है, गुड़ इस बार नहीं बना, गन्ने का नहीं बना, खाड़ बना जो है सब, वो खाएंगी जूस ही खाते हैं आप लोग, नहीं खाती हैं ना, तो गुड़ बना नहीं। चलिए चलो लकी चना उखाड़ते हैं, चलो और आपको बता दें हमारी भाभी कभी गांव में नहीं रही हैं, नहीं रही हैं ना भाभी आप, हमारी भाभी कभी भी गांव में ये नहीं रही हैं, शहरों में ही रही हैं। और आप हमको बताइए हमारा गांव हमारा खेत कैसा लग रहा है, आप बताइए। आपसे मिलकर देखिए तो इनको भाई गांव देखिए अच्छा लग रहा है, लगना भी चाहिए ना, गांव अच्छा लगता है। चलिए भाभी चलते हैं ना, वैसे चना उखाड़ते हैं।
तो हम तो देखिए निकालते हैं भैया है चना, तो ले जाएंगी अपना। रेखा भाभी क्या बनी है भाभी? सब्जी बनेगा। सब्जी बनाइएगा, भून के खाइएगा। हाँ भून के। खाद तो डालती होंगी ना? खाद तो डालती। चने में कोई खाद नहीं पड़ता। अच्छा चने में नहीं पड़ता। यह शहर गांव की देखिए निशानी समझ में आ रहा है। भाभी को पता नहीं चने में क्या पड़ता है। चना में कभी खाद नहीं पड़ता, चने को कभी भी सिंचाई नहीं होती है, ऐसे ही बस छोड़ देते हैं। बस इसको बो के इसको छोड़ देंगे, इसकी कोई सिंचाई वगैरह कुछ नहीं, कोई खाद वगैरह नहीं। अगर इसमें खाद दे देंगे ना तो इतना जो है ये कहीं में घुस जाएगा कि फिर फरवे नहीं करेगा। तो ये सब ऊसर जमीनों में जहाँ के पैदावार नहीं होती है, कम होती है, उन जगहों पे चना सरसों वगैरह तीसी वगैरह ये सब की बुआई होती है। तो ये तो हम भगवान जी बीच बीच में बरस रहे थे ना, इसको पानी मिल गया इसीलिए ये और घना हो गया बढ़ के। और छोटा छोटा पेड़ होता ना और फरता है एकदम पूरा जड़ से, ये फरता है। नहीं तो ये बढ़ने की वजह से आप देख रहे हैं ये आधा, देखिए यहाँ से नहीं फरा है, यहाँ से नहीं फरा, ये आधे पर से फरा है, यही कारण है। और खूब दूर दूर इसको बोया भी जाता है। मटर तो सब खराब हो गया, मटर की सिंचाई कर दी है ना, मटर खराब हो गया, देखिए पूरा मटर जर गया। तो यहाँ पर रंग लग रहा है। हेलो दोस्तों, अभी मैंने लकी को लगा के आया है, हमारा तनी मनी से पेट नहीं भरता है। होली मुबारक हो मेरे रिशु बाबू को भी, होली मुबारक हो। क्या लगी? लगाओ लगाओ, चलो मामी से होली खेलो। तो भूल के आ गई। अभी तो हल्का लग रहा है। इधर आओ, इधर मेरा बाबू, मेरा पिता, मेरा भैया, देखो 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 इसका देखो देखो सबका। तो भैया चलिए आप देखिए हम कर रहे हैं सबकी विदाई, सब लोग चल रहे हैं। तो चलो भाई जिनको जिनको निकलना है चलिए। ये देखिए गिफ्ट में हमें ये मिला है, साथ में दीदी ने साड़ी दी गिफ्ट में, यही हम गिफ्ट में दे पाए भाई, गांव देहात में ये है। चलिए 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 भाई चलिए। देखिए किशन बैठने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इनको मैंने बहुत तगड़ा बिकनी लगाया है जिसकी वजह से ये रो रही है। हो गया किशन? हाँ ठीक है, बाय किशन, बाय मम्मी, बाय बाय। ये चार्जर उर्जर कुछ? बाय मामा, मोबाइल लाओ ना किशन। तो कुछ घड़िया लिया रहे हमारे, उनका टाइम तो यही रह जाता है। तो देखिए भैया भाभी तो चले गए और मेरा जो काम था ये हम रोक दिए थे, बीच में लाइट भी कट गया था। तो चलिए इसको फटाफट से निपटा लेते हैं, अंधेरा होने वाला है। अब आज इसको फैलाए हैं तो इसको हटा ही लेते हैं जो है। सभी लोग चले गए, बहुत अच्छा लगता है, मायके से कोई आता है ना तो बहुत खुशी होती है। रुके नहीं, हम बहुत कोशिश किए रोकने के लिए लेकिन रुके नहीं, चले गए। खैर चलिए, ये हमारे वही भैया भाभी जो पंजाब में रहते हैं, तो आए थे होली पर घर, तो आए हैं। अब हमको किसी दिन समय मिलेगा तो चलेंगे मम्मी के यहाँ, सबसे मिलजुलाएंगे। अभी तो हमारा उड़ने वाले घर पे काम हो चल रहा है ना, तो कल का वीडियो भी एडिट नहीं कर पाए, ये काम के चक्कर में हम रह गए और उसको एडिट करके अपलोड नहीं किए हैं। तो चलिए हम ना इसको निपटाते हैं और वीडियो लगा देते हैं अपलोडिंग में, तब तक अपलोड होता रहेगा जो है। तो भैया देखिए हो गया अनियार और हम थक गए, अब इतना सा जो है ना इसको देखिए रख दे रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे सूप से बनाएंगे। और ये पंखे से ही नहीं और फरिया रहा है, देखिए
अभी फरिया ही नहीं रहा है, तो इसको सूप से बनाएंगे। चलिए इसको रखते हैं, वीडियो लगा देते हैं, फटाफट से अपलोड हो जाए कल का होली वाला। अब फिर देखिए खाना बना ही बनाना है। लक्की हमारी बर्तन धुल रही है, हमारा बड़ा हेल्प कर रही है, तो लक्की बेचारी बर्तन धुल रही है। अब तब से हम फटाफट है कुछ हटा बढ़ा के तब फिर तैयारी करें रात के खाना बदे। ये जो खेती बाड़ी वाली काम है ना भैया, एक दिन का काम नहीं है, इसमें हमेशा काम लगा रहता है, आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए इसको कहीं हम खाली होते हैं तो फिर कहीं इसको बनाते हैं, अलग अलग करते हैं। तो चलिए भैया रात के 9 बज चुके हैं, खाना वाना बना लिए हैं, बनाने वाले देखिए हम नहा वहा के फ्रेश हो लिए हैं। हालांकि मेरा रंग नहीं छूटा है, रंग मेरा छूटने वाला भी नहीं है, ये रहेगा हफ्तों तक। तो कच्चे रंग से होली नहीं खेलते हम, खेलते हैं पक्के रंग से। तो फिलहाल बनाए हैं खाने में देखिए खिचड़ी, थक गए थे यार, भैया भाभी चले गए, उसके बाद फिर जो बचा था सरसों उसे हटाए हैं, सब काम धंधा किए हैं, बर्तन वगैरह धुले हैं, एकदम थक गए थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाए। सब लोग पकौड़ियाँ वगैरह तो खूब पेट भर भर के खाए, इनका देखिए हमारे राजकुमार जी का, हमारे शहजादे का देखिए, हमारे राजकुमार का देखिए, देखिए देखिए हमारे कमांडो का देखिए, कमांडो का टी शर्ट पहने हैं, कहते हैं हम कमांडो बनेंगे, तो देखिए ऐसे सोए सोए ना दूध पियेंगे ना खाना खाएंगे ठीक से टाइम से। हाँ तो देखिए चलते हैं खाना खाने, अनु लकी भी सो रही हैं, सब थक गए हैं बच्चे, तो चलते हैं। अब हम सब लोग खाते हैं, खिचड़ी बनाए हैं तो खिचड़ी खाएंगे, हल्का खाना, तो पकौड़ी बड़ी बहुत खा लिए हैं, तो चलिए पहले खा लेते हैं।